राजगढ़ के स्वामी विवेकानंद स्कूल के छात्र छात्राओं के सीबीएसई 10th 12th के रिजल्ट घोषित किए। सभी स्कूलों के रिजल्ट आने पर स्कूल के बच्चों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य अमित शाह ने स्कूल के टीचर्स और बच्चों के माता पिता को शुभकामनाएं दी और जिले के सभी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आने पर सभी स्कूलों को भी शुभकामनाएं दी। स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य ने बधाई प्रेषित की। आज सीबीएसई द्वारा क्लास 10th और 12th का रिजल्ट घोषित किया गया। कोरोना महामारी के बाद ये पहली बार ये इस तरह का रिजल्ट आया, जो बहुत ही उत्साहवर्धक था। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। इस बार परीक्षा 2 टर्म में किए गए हैं। टर्म 1 जो है 50% का था और टर्म 2 भी 50% का था। टर्म 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ थे, ऑब्जेक्टिव टाइप थे, जबकि टर्म 2 आपका नॉर्मल जैसा पेन पेपर होता है। बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था, लिखना था। विषमता की दौड़ से निकलने के बाद बच्चों ने इतना अच्छा करना, इसका श्रेय बच्चों को, उनके अभिभावकों को और शिक्षकों को खासकर, जिनने इन परिस्थितियों में भी हर संभव प्रयास करके बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दिया। और हम सब गौरवान्वित हैं कि हमारे ज़िले का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। लगभग सभी विद्यालयों का, सीबीएसई स्कूलों का, यहाँ 18 से 20 स्कूल हैं जिनमें ज़्यादातर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही हैं, और सभी का परिणाम बहुत अच्छा रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।